वेलकम बैक टू एंड मॉम हेलो पेरेंट्स वेलकम बैक लास्ट वीडियो के एक पार्ट में हमने बच्चों के स्क्रीन टाइम और उसका उनकी आइज पे इफेक्ट और उसके सल्यूशन की बात की थी उस पार्ट के ऊपर आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा आया था इसलिए हमने सोचा कि उस टॉपिक और उसके सल्यूशन्स को और डिटेल में डिस्कस किया जाए सो so, हमने उस टॉपिक के सोलूशंस को तीन डिटेल वीडियो में डिवाइड किया है मेनली डाइट एक्सरसाइज एंड बच्चों का टाइम टेबल आज का वीडियो डाइट पे होगा और बाकी वीडियोस मैं अपकमिंग वीक में, में अपलोड करूंगी तो उन वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और अगर इस वीडियो के पॉइंट्स आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक बटन दबा दीजिए यूट्यूब बाबा बहुत खुश होंगे और आप इनको अपने पेरेंट दोस्तों से जरूर okay. शेयर okay. कीजिएगा okay. आजकल बच्चों का स्क्रीन टाइम एक से दो घंटे से ऊपर हो चुका है उनकी ऑनलाइन क्लासेस की वजह से कुछ उनके एंटरटेनमेंट की वजह से एंड कुछ जो हम लोग ऑनलाइन एक्टिविटीज़ कराते हैं उस वजह से सो so, बच्चों की आइज़ पे ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है उनकी आईसाइट बहुत वीक हो रही है बहुत सारे सर्वेस में देखा गया है कि ब्लिंक पर मिनट का जो रेशो है वो बहुत कम हो चुका है जिसकी वजह से बच्चों को बहुत सारी शिकायतें होती हैं जैसे कि हेडेक है ब्लरी आइज़ है एक्सेसिव वाटरी आइज़ है या एक्सेसिव ड्राई आइज़ है साथ में ही नेक में पेन है ये सारी शिकायतें आजकल बच्चे बहुत करने लगे हैं तो आज के वीडियो में हम बच्चों के डाइट प्लान में किस तरीके का फूड रखना चाहिए वो डिस्कस करेंगे सिक्स मेन फूड हैं जो हम लोग अपने बच्चों के डाइट प्लान में इंक्लूड कर सकते हैं जिसमें सबसे पहला है ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो कि कैल्शियम विटामिन सी एंड विटामिन बी ट्वेल्व रिचड होते हैं जैसे कि ब्रोकली स्पिनच काले ये सारी चीजें आप अपने बच्चों के डाइट प्लान में इंक्लूड कर सकते हैं ये सब हाई ऑन एंटीऑक्सीडेंट होते हैं लाइक ल्यूटिन एंड उसके बाद आप कलर्ड वेजिटेबल्स यूज कर सकते हैं जैसे कि स्वीट पोटैटो कैरेट कैप्सिकम इन सब में भी विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है तो बच्चों की आईसाइट को इम्प्रूव करता है देन कम्स टू नट्स एंड सीड्स नट्स एंड सीड्स में पिस्ताशियो कैचू आलमंड वॉलट पीनट ये सारे नट्स आप यूज़ कर सकते हैं सीड्स में आप चिया सीड्स या फ्लैक्स सीड यूज़ कर सकते हैं लड्डू के फॉर्म में बच्चों को खिलाइए बच्चे पसंद करते हैं फैटी एसिड और विटामिन ई नट्स एंड सीड्स में बहुत ज़्यादा होता है जो बच्चों की आईसाइट को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है देन हम होल ग्रेन्स अपने बच्चों की डाइट में डाल सकते हैं जैसे कि छोले है राजमा है सोयाबीन है ये सारे भी बहुत ही रिच होते हैं विटामिन से लाइक like विटामिन ई e, विटामिन ए तो आप इसको अपने बच्चों की डाइट में जरूर लाएं देन अगर आप बच्चे को एग खिला सकते हैं तो आप बच्चे को एग जरूर खिलाइए क्योंकि उसमें भी विटामिन ए एंड प्रोटीन बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप सिट्रस फ्रूट यूज कर सकते हैं जैसे कि ग्वावा है ऑरेंज है लेमन है ग्रेप्स है एंड देन इट कम्स टू टोमैटो है ये सारे फ्रूट्स uh, जो होते हैं विटामिन सी रिच होते हैं तो ये बच्चों को बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं उनके साइड इम्प्रूव करने के लिए ऑल्सो सीजनल फ्रूट जो समर्स में मिलते हैं जैसे मैंगो है एप्रिकॉर्ड है पपाया है ये सब भी आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है तो ये सारी चीज़ें आप अपने बच्चे के डाइट प्लान में ज़रूर यूज़ करें मैं ये सारे फूड वारण्य की डाइट में यूज़ करती हूँ बारे आप नट्स और सीड्स खाते हैं ना कैशू yes. खाते हैं? Yes. और पिस्ता? Yes. Yes. Very good. और स्पिनच like खाते छोले, हाँ. भी तो खाते? हाँ. खाते हैं ना एंड एग खाते yes. थोड़ा थोड़ा खाते लेकिन खाते है वेरी गुड सो so, वारने की डाइट में मैंने ये ऑलरेडी सारी चीजें डाल रखी हैं क्योंकि आप बच्चों को मोबाइल से दूर नहीं रख सकते बट यस उसको उनकी आईसाइट को तो आप बचा सकते हैं इम्प्रूव कर सकते हैं तो ये सारी चीज़ें आप अपने बच्चों की डाइट में भी जरूर जरूर इस्तेमाल कीजिए तो आज का वीडियो यही एंड करते हैं तब, तब तक, तक के लिए तेक तेक तेक